Hello everyone, now we are going to look at SCMPE amendments in chapter performance measurement and evaluation. Okay, दोस्तों परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन चैप्टर में जो सारे अमेंडमेंट्स हैं उसको हमने नंबर कर दिया है नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री एंड सो ऑन. ओके, नंबर वन जो हमारा टॉपिक था रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स दे रखे थे दोस्तों उसमें दो और नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ऐड हो गए हैं. वन इज एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. राइट, कुल मिलाकर देयर आर फोर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. हम एक एक करके इनको गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहला तरह का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. राइट, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि खुद एक इंडिविजुअल जो कि अपनी स्किल्स के बेसिस पर अपने बिजनेस को चला रहा है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से एक डॉक्टर इन प्रैक्टिस. राइट, तो एक डॉक्टर का जो क्लिनिक है वो भी एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है. राइट, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर जो ओनर होता है उसके पास कुछ स्पेशल स्किल्स होती है जिसकी वजह से वो बिजनेस चलाता है. राइट, तो सच ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. राइट, फॉर एग्जाम्पल अल्फा अकेडमी. राइट, तो इसका भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा माना जाएगा? एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. राइट, ओके दोस्तों, जब इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की जाती है तो जो ओनर होता है वो ड्यूअल रोल प्ले करता है. वो एक ओनर का तो रोल प्ले करता ही करता है, जैसे कंपनी में शेयर होल्डर्स वो रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ वो मैनेजर का भी रोल प्ले करता है. राइट, ओके, फिर दोस्तों इसके बाद होते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ये हमें पहले से ही पता है. फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस में डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जांपल परचेज फंक्शन हुआ, सेल फंक्शन हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन हुआ एंड सो ऑन. राइट, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि एक बड़ा ग्रुप है और वो काफी सारे सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक डिवीजन हो जाएगा लेट अस से ऑयल एंड गैस डिवीजन, दूसरा हो जाएगा टेलीकॉम डिवीजन, या फिर तीसरा हो जाएगा रिटेल डिवीजन. राइट, तो ऐसे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जहां पर कि ऑर्गेनाइजेशन को डिविजन्स में डिवाइड किया गया हो. राइट, ये वो दो स्ट्रक्चर्स थे जो कि ऑलरेडी हमारे सिलेबस में पहले से ही थे. सो दिस आर सेम एज अर्लियर. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. नाम से ही पता चलता है कि हियर वी हैव अ मैट्रिक्स. राइट, तो यहाँ पर अगर आप एक मैट्रिक्स की नजरों से सोचेंगे है ना, तो मैट्रिक्स में रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होते हैं. राइट, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में मैनेजर्स यहाँ से भी देखते हैं अपने स्टाफ को और मैनेजर्स यहां से भी देखते हैं अपने स्टाफ को. राइट, अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर होंगी. ओके दोस्तों, एक कंपनी है जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. लेट अस से हियर वी हैव प्रोजेक्ट ए, वी हैव प्रोजेक्ट बी एंड वी हैव प्रोजेक्ट सी. राइट, थिंक ऑफ इन्फोसिस. इन्फोसिस में काफी सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. राइट, हर प्रोजेक्ट का अपना एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में अलग अलग टैलेंट का स्टाफ हमें लगता है. राइट, फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनानी तो हमें उसमें डिजाइनर भी लगेगा, हमें उसमें कोडिंग का बंदा भी लगेगा, टेस्टिंग का बंदा भी लगेगा एंड सो ऑन. राइट, फिर हो सकता है कि वेबसाइट से रिलेटेड कुछ कमर्शियल डिस्कशन करना रहे तो हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जरूरत होगी एंड सो ऑन. राइट, ओके, तो क्या होता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कुछ स्टाफ होता है. राइट, और अब ये जो स्टाफ होते हैं इनके पास अलग 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 स्किल्स होती है. राइट, फॉर एग्जांपल एक स्टाफ फाइनेंस टीम से आया होगा, एक स्टाफ मैन्युफैक्चरिंग टीम से आया होगा, कुछ स्टाफ सेल्स टीम से आए होंगे. राइट, और ये सब मिलाकर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, दैट इज प्रोजेक्ट ए. ओके, उसी तरीके से प्रोजेक्ट बी एंड प्रोजेक्ट सी. राइट, अब ये जो पर्टिकुलर स्टाफ है, राइट, ये पर्टिकुलर स्टाफ अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टाफ को अपने डिविजनल सुपर हेड को भी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, यानी कि जो इसका डिविजनल सुपरवाइजर है, फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट इन फाइनेंस हुआ, या फिर इस पर्टिकुलर स्टाफ का जो डिविजनल हेड हुआ यानी कि वीपी मैन्युफैक्चरिंग, या इस पर्टिकुलर स्टाफ का जो डिविजनल हेड हुआ वीपी सेल्स. राइट, तो एक पर्टिकुलर सेल्स का बंदा अपने सेल्स के
मैनेजर को तो रिपोर्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ उसको जिस प्रोजेक्ट में लगा रखा है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रिपोर्ट करेगा. एंड हेंस सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. राइट दोस्तों, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर क्योंकि अलग अलग डिविजन है, कोई सेल्स टीम से आया, कोई मैन्युफैक्चरिंग से आया, कोई फाइनेंस आया, तो ये एक दूसरे को अपनी अपनी स्किल्स सिखा सकते हैं, जिससे कि एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीट प्रोजेक्ट का ओवरव्यू इन सभी स्टाफ को आने लगता है. राइट, सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ओके, इसके बाद दोस्तों हम आते हैं अमेंडमेंट नंबर 2 पर. ये भी अगेन रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग टॉपिक से अमेंडमेंट है. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम नाम का एक छोटा सा नया टॉपिक आईसीआई ने ऐड कर दिया है. ये एक्चुअली आईसीआई ने थोड़ी सी रीस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइज किया है इस पर्टिकुलर चैप्टर को, है ना. तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, वापस से इन वर्ड्स को फील करें, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करना चाहती है, यानी ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमें हमारी परफॉर्मेंस को मैनेज करना है, कोई सिस्टम बताइए, राइट, तो इस सिस्टम को आखिर इंप्लीमेंट करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो वो यहां पर दे रखी है. सो देयर आर हाउ मेनी स्टेप्स, देयर आर 4 स्टेप्स, राइट, एंड दिस आर प्रीटी इजी स्टेप्स. सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को कहेंगे कि हे ऑर्गेनाइजेशन, आपको सबसे पहले अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ेगा. क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंटरप्रेन्योरल स्ट्रक्चर है, या फिर वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, या फिर वो डिविजनल स्ट्रक्चर है, या फिर वो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है. सो स्टेप नंबर 1 इज दैट यू हैव टू डिफाइन योर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट. देन स्टेप नंबर 2 इज कि जो जो भी स्टाफ उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आ रहे होंगे, आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी होगी, विच मीन्स यू हैव टू डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, जिसमें से कुछ बनेंगे कॉस्ट सेंटर्स, कुछ बनेंगे रेवेन्यू सेंटर्स, कुछ बनेंगे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, एंड सो ऑन, राइट. फिर हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया, फिर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी. हाँ, नाउ द थर्ड थिंग इज कि अब आपको उन लोगों की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल, सेल्स टीम की हम परफॉर्मेंस इन इन पैरामीटर्स पर मेजर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग टीम की हम परफॉर्मेंस इन इन पैरामीटर्स पर मेजर करेंगे. इन्हें हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, राइट. और सिर्फ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ही उनको कम्युनिकेट नहीं करना है, उनको ये तो पता नहीं कि हम आपकी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, साथ ही साथ हमें उन्हें टारगेट्स भी देने होंगे, राइट. देन फोर्थ स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज कि आपको उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा, उसे कंपेयर करना पड़ेगा अगेंस्ट द टारगेट, और जो भी डिफरेंस होगा उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करके आपको करेक्टिव एक्शंस लेनी होंगी, राइट. तो दोस्तों, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 4 स्टेप्स करनी होती है. कौन कौन सी हैं वो 4 स्टेप्स? फर्स्टली वी हैव टू डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ओके. फिर उसके बाद नेक्स्ट इज कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर उसके बाद हमें परफॉर्मेंस मेजर्स वहां पर लगाने होते हैं, और उन परफॉर्मेंस मेजर्स को के लिए हमें टारगेट देने होते हैं, और फिर उसके बाद हमें रिव्यू करनी होती है परफॉर्मेंस, एंड देन वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शंस, राइट. ओके दोस्तों, ये हमने देखा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, है ना. आईसीआई ने एक केस स्टडी दी है, और उस केस स्टडी के अंदर उन्होंने फर्स्ट पॉइंट ये पूछ लिया है कि ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना चाहती है, बताइए मिस्टर सी आखिर क्या 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 उन्हें करना पड़ेगा. सो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. ओके, नाउ लेट अस कम ऑन टू अमेंडमेंट नंबर 3. दोस्तों, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड नाम का टॉपिक था, जो कि प्योर फाइनेंशियल मेजर्स के अंदर आता था. प्योर फाइनेंशियल मेजर्स के अंदर एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता था, दूसरा रेसिडियल इनकम आता था, तीसरा इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आता था, और चौथा शेयर होल्डर वैल्यू एडेड था. वो अब आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल से रिमूव कर दिया है. ओके, इसके बाद है अमेंडमेंट नंबर 4. ICAI ने अपने केस स्टडी डाइजेस्ट, जो कि मार्च 2021 में इशू किया था, उसमें एक स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया है, जो कि ICAI की केस स्टडी डाइजेस्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 9 पे मिलेगा, राइट. अगर आप हमारा अल्फा एकेडमी वाला केस स्टडी डाइजेस्ट देखेंगे तो आपको पेज नंबर 104 पर ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, राइट. ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, मदर कंपनी लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, राइट. तो इसका वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट में अमेंड 4 के नाम से मिल जाएगा, वीडियो को वॉच कर लेंगे, पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा. ओके,
अब इसके बाद हम आते हैं अमेंडमेंट नंबर 5 पर. ओके, मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2019 में एक एलएनजी लिमिटेड वाला क्वेश्चन प्रिंट हुआ था. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट? तो इसको हमने अमेंड 5 नाम के वीडियो में, जो कि नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसमें कवर किया है. ओके, ये एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें आरओआई की भी बात हुई है, फिर उसके बाद रेसिडियल इनकम की भी बात हुई है, फिर उसके बाद ये रेसिडियल इनकम की भी बात हुई है. तो ये फाइनेंशियल मेजर्स को कवर करता हुआ क्वेश्चन है. ओके, फिर अमेंडमेंट नंबर 6. तो आईसीआई ने इस परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर के अंदर ना थ्योरी को रीऑर्गेनाइज किया, रीस्ट्रक्चर किया है. तो उन्होंने एक पर्टिकुलर टॉपिक डाल दिया है, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स. यानी कि यहाँ पर वो समझाना चाह रहे हैं व्हाई नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स आर इम्पॉर्टेंट, राइट? वैसे ये हमें पहले से भी पता है दैट नॉन फाइनेंशियल मेजर्स आर रियली इम्पॉर्टेंट इन एडिशन टू फाइनेंशियल मेजर्स, राइट? लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये टॉपिक समझाया है, उसकी थ्योरी यहाँ पर एड्रेस करी हुई है और क्या क्या डिफिकल्टीज या फिर शॉर्टकमिंग्स आती है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन यानी कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स को लगाने को, राइट? ये थ्योरी हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि जो केस स्टडी आती है उसके अंदर हो सकता है कि ऐसा पूछें कि नॉन फाइनेंशियल मेजर्स हमें लगाने चाहिए या नहीं, उसके क्या एडवांटेजेस है, उसके क्या लिमिटेशंस है, राइट? तो इस चीज को दोस्तों अमेंड 6 नाम का वीडियो जो कि आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा उसके अंदर कवर किया गया. साथ ही साथ एक और केस सिनेरियोज है लाइट ऑटोमोबाइल लिमिटेड का, वो भी उस अमेंड 6 वाले वीडियो के अंदर कवर्ड है. ओके, फिर ये एक रीसेंट केस सिनेरियो है जो कि आईसीआई ने अपने लेटेस्ट पब्लिकेशंस में इश्यू किया है. ओके, फिर इसके बाद दोस्तों अमेंड 7 नाम का आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर केस स्टडी डाइजेस्ट जो कि मार्च 21 में इश्यू हुआ है उसका केस स्टडी नंबर 5 जो कि आईसीआई की केस स्टडी डाइजेस्ट में पेज नंबर 18 पर है, स्किल असेसमेंट क्वेश्चन उसको कवर किया है, राइट? ये एक्चुअली स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं, केस स्टडी डाइजेस्ट, राइट? उसमें नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से रिलेटेड एक केस स्टडी है मार्कस न्यू फैशन लिमिटेड. अगर आप अपनी किताब में देखेंगे अल्फा एकेडमी के केस स्टडी डाइजेस्ट में तो आपको पेज नंबर 123 पर वो मिल जाएगी. उसको अमेंड 7 नाम की वीडियो में कवर किया है. ओके, नीचे प्लेलिस्ट में. फिर इसके बाद अमेंड 8 नाम का आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स यानी अब जो नीचे आने वाले सभी क्वेश्चंस है उसके अंदर फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के मेजर्स लगाने की बात होंगी, राइट? लेकिन जो नॉन फाइनेंशियल मेजर्स लगाए जाएंगे ना वो कोई टेक्निक नहीं होगी जैसे ट्रिपल बॉटम लाइन या बैलेंस स्कोर कार्ड, ऐसी कोई टेक्निक नहीं होगी. जनरल नॉन फाइनेंशियल मेजर्स इन क्वेश्चंस में लगाए जा रहे हैं, राइट? तो ये आरटीपी मई 2020 में प्रिंट हुआ था क्वेश्चन, ये कवर किया गया है अमेंड 8 नाम की वीडियो में. ओके, फिर उसके बाद अमेंड 8 नाम के वीडियो में ही आरटीपी नवंबर 2020 का एन अपैरल मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन भी दोस्तों कवर किया गया है. फिर उसके बाद उसी अमेंड 8 नाम के वीडियो में एक क्वेश्चन जो कि केस स्टडी डाइजेस्ट में प्रिंटेड है के सिनेरियो क्रिस्टन एलएलपी सेल्स वाइड रेंज, वो भी अमेंड 8 नाम की वीडियो में कवर्ड है. और एक और केस सिनेरियो नंबर 34 जो कि हमारे अल्फा एकेडमी के केस स्टडी डाइजेस्ट में पेज नंबर 109 पर मिलेगा, उसका नाम है स्टार टाइल्स प्रोडक्शन लिमिटेड, आईसीआई के केस स्टडी डाइजेस्ट से लिया गया है. यह वाला केस सिनेरियो भी अमेंड 8 नाम की वीडियो में मिलेगा. ओके, फिर इसके बाद हम आते हैं अमेंड 11. ओके दोस्तों, एच ए एल इज ए मैन्युफैक्चरर वाला एक क्वेश्चन है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है. ये जो केस स्टडी है ये ऑलरेडी आपके नोट्स में पहले से ही थी जो हमारी केस स्टडी की बुकलेट थी उसके अंदर, राइट? लेकिन पहले इसको होमवर्क दिया गया था और अब जो लेटेस्ट वीडियोज है उसके अंदर मैक्सिमम केस स्टडीज को क्लास वर्क के अंदर करवाया गया है. यानी मान के चलिए कि 95% ऑफ द केस स्टडीज, केस सिनेरियोस, स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो भी थ्योरी टॉपिक से रिलेटेड है वो सब क्लास वर्क के अंदर ही करवा दिए गए हैं. तो वही वीडियो शूटिंग आपको एच ए एल की जो पहले होमवर्क था वो क्योंकि क्लास वर्क में करवाए तो उसके वीडियोज आपको अमेंड 11 में मिल जाएंगे. अगर आपने पहले से ही कवर कर लिया, आपको समझ में आ गया तो फिर वेल एंड गुड, आप इसको स्किप कर दीजिए. नहीं समझा आपको तो आप अमेंड 11 नाम का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद ओके, फिर इसके बाद दोस्तों ट्रिपल बॉटम लाइन. ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही हमारे सिलेबस में है लेकिन आईसीआई ने इसके अंदर लिटिल बिट ऑफ चेंज और एडिशन इन टेक्स्ट लैंग्वेज किया हुआ है, राइट?
although concept remains the same, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा language change किया. जब आप compare करेंगे ICAI का study material जो 2019 का था versus जो 2021 का है, तो आपको difference दिखेगा. जो 2019 वाला study material था, उसमें half page में triple bottom line का सारा concept हो गया था. लेकिन जो new study material है, उसके अंदर ज़्यादा language, ज़्यादा text उन्होंने लिखा हुआ है, language को और ज़्यादा refine करके लिखा हुआ है, right? तो वही refined language आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी. और ICAI ने कुछ न्यू टर्मिनोलॉजीज है जो कि अपने एडिशन 2021 के स्टडी मटेरियल में डाली है, जो पुराने एडिशन में नहीं थी, जैसे इक्विटेबल, सस्टेनेबल, बेयरेबल, वायबल एंड सो ऑन, राइट. तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज भी दोस्तों कवर हमने की है, राइट. अब ट्रिपल बॉटम लाइन की कॉन्सेप्ट में ऐसे कोई अमेंडमेंट नहीं, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है. तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये अमेंड 12 नाम का वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर ट्रिपल बॉटम लाइन का कॉन्सेप्ट शुरू से समझाया हुआ है, राइट. ओके, फिर इसके बाद दोस्तों एक न्यू केस सिनेरियो है, वो भी आपको अमेंड 12 नाम के वीडियो में मिलेगा. और एक और केस सिनेरियो है जो कि केस स्टडी डाइजेस्ट से आया है, ट्रिपल बॉटम लाइन का क्वेश्चन है, फैशन इंडस्ट्री नेक्स्ट जेन क्लोथिंग, जो हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट के आपको पेज नंबर 112 पर मिल जाएगा, वो भी उसी वीडियो के अंदर कवर्ड है. ओके, फिर इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है, पेपर सॉल्यूशंस लिमिटेड, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है. अगेन ये क्वेश्चन पहले भी आपके नोट्स में था, लेकिन पहले ये होमवर्क में दिया गया था, लेकिन इस बार उसको क्लास के अंदर ही करवाया गया है, तो वह वीडियो भी आपको अमेंड 12 के नाम से मिल जाएगा. ओके, फिर इसके बाद दोस्तों ओके अमेंड 15 एक केस स्टडी है, ट्रिपल बॉटम लाइन से रिलेटेड बहुत बड़ी केस स्टडी प्रिंट हुई है केस स्टडी डाइजेस्ट में विद्युत डैम प्रोजेक्ट के नाम से, वो आपको हमारे नोट्स में पेज नंबर 135 पर मिलेगी. ICAI की केस स्टडी डाइजेस्ट में पेज नंबर 66, केस स्टडी नंबर 14 के नाम से मिलेगी केस स्टडी डाइजेस्ट में. तो ये ट्रिपल बॉटम लाइन से रिलेटेड केस स्टडी है, इसको अमेंड 15 नाम की वीडियो के अंदर कवर किया गया है, राइट. तो आप वो अमेंड 15 नाम का वीडियो देख लेंगे. ओके, देन 16th नंबर का जो अमेंडमेंट है वो बैलेंस स्कोर कार्ड से रिलेटेड है, कुछ न्यू क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड हुए हैं बैलेंस स्कोर कार्ड में, तो उसको कवर किया गया है. आरटीपी मई 2020 का है दोस्तों ये क्वेश्चन, ये अमेंड 16 नाम की वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कवर करने को मिल जाएगा. ओके, फिर इसके बाद ओके अमेंडमेंट नंबर 17 अगेन केस स्टडी डाइजेस्ट में परफॉर्मेंस मेजरमेंट में बैलेंस स्कोर कार्ड से रिलेटेड दो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि अगर आप ICAI का केस स्टडी डाइजेस्ट देखेंगे तो उनके क्वेश्चन नंबर 7 और 8 होंगे, हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट में आपको ये इन पेजेस पर मिल जाएंगे, राइट. तो अमेंड 17 नंबर से एक वीडियो है जो कि आप नीचे प्लेलिस्ट में देख लें, आपको उसमें ये दोनों क्वेश्चंस कवर किए हुए मिल जाएंगे. ओके, फिर आते हैं हम अमेंडमेंट नंबर 18 पर. अगेन दिस इज रिलेटेड टू बैलेंस स्कोर कार्ड, लेकिन इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी और कुछ फाइनेंशियल मेजर्स का भी रोल है. 20 मार्क का क्वेश्चन पूछा था ICAI ने नवंबर 2019 में, तो उसको भी कवर किया गया है दोस्तों, ये आपको अमेंड 18 नाम की वीडियो के अंदर मिल जाएगा, है ना. ओके, इस वीडियो के अंदर खास जो आपको देखना है वो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी की कैलकुलेशन को देखना है. ICAI ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है इसको कैलकुलेट करने का, वैसे वो मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है ऑन अदर वीडियोस में, लेकिन आप चाहे तो इस वीडियो में इसका एप्लीकेशन पार्ट देख सकते हैं. ओके, फिर अमेंड 19 नाम का आपको एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर आरटीपी 2019 में प्रिंटेड इस पर्टिकुलर केस स्टडी बी स्टील्स वाली केस स्टडी को कवर किया गया है. ओके, ये हमारे बैलेंस स्कोर कार्ड से रिलेटेड अमेंडमेंट्स कंप्लीट होंगे यहाँ पर. हाँ जी, अब इसके बाद एक और परफॉर्मेंस मेजर होता है, परफॉर्मेंस पिरामिड. दोस्तों परफॉर्मेंस पिरामिड का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही है, बट कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड के, वो और ऐड किए गए हैं. अब ये जो एडिशन है ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में तो ऐड नहीं किया, लेकिन उन्होंने एल्सवेयर एक क्वेश्चन पूछा और जहां पर उन्होंने एडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस पिरामिड एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस पिरामिड को लिखा है, तो मैंने वहां से उठाकर अपने नोट्स के अंदर इसको ऐड किया है. तो आप भी यहां पर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं परफॉर्मेंस पिरामिड के अमेंडेड 20 नाम के वीडियो में.
फिर इसके बाद दोस्तों अमेंडमेंट नंबर 21 परफॉर्मेंस पिरामिड से रिलेटेड दो केस सिनेरियोस आईसीआई ने ऐड किए अपने केस स्टडी डाइजेस्ट में। आईसीआई की केस स्टडी डाइजेस्ट में केस सिनेरियो नंबर 1 है और 12 है, हमारे एक केस स्टडी डाइजेस्ट में इस पेज पर आपको ये केस सिनेरियोस मिल जाएंगे, ठीक है ओके। हमारा जो केस स्टडी डाइजेस्ट है वो हमने टेलीग्राम चैनल पर भी फॉरवर्ड किया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर भी वो फॉरवर्ड किया गया है केस स्टडी डाइजेस्ट, ओके। ऑल्टरनेटिवली आप आईसीआई के वेबसाइट पर जाकर वहां से केस स्टडी डाइजेस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। ये आप अमेंड 21 नंबर का वीडियो देखेंगे तो ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, ओके। फिर इसके बाद आता है अमेंड 22 नाम का वीडियो, जिसके अंदर द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर किया गया। ये क्वेश्चन 20 मार्क्स का था, मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2020 में, इसको अमेंड 22 नाम की वीडियो में कवर किया गया है, ओके। फिर इसके बाद आता है अमेंड 23 नाम का वीडियो, अगेन बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से रिलेटेड केस स्टडी डाइजेस्ट में केस सिनेरियो प्रिंट हुआ है, तो उसको अमेंड 23 नाम की वीडियो से कवर किया गया है, ओके। फिर इसके बाद एक केस स्टडी है ग्रैब एंड गो, ये सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले भी आपके नोट्स में था लेकिन पहले ये होमवर्क में दिया गया था, अब इसको भी क्लास वर्क के अंदर करवा दिया गया है, राइट। तो आप चाहें तो इसका वीडियो भी देख सकते हैं, वो आपको इसी के अंदर मिलेगा अमेंड 23 नाम की वीडियो के अंदर, ओके। फिर इसके बाद अमेंड 25 की बात करते हैं, अगेन द बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल से रिलेटेड है, केस स्टडी डाइजेस्ट में दो केस स्टडीज आईसीआई ने दी हुई है, ये दोनों केस स्टडीज भी अमेंड 25 नाम की वीडियो में कवर की हुई है, राइट ओके। ये आपको बेसिक रूल पता होगा कि जब भी आप बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का केस स्टडी देख रहे हैं उससे पहले आपका बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है, एटलीस्ट आपको उसकी एक बार रीडिंग लगानी होगी, राइट। अब दोस्तों इसके बाद हम आते हैं अमेंड 26 पर, एंड दैट इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस प्रिज्म। अब आईसीआई ने क्या किया है, जैसा ट्रिपल बॉटम लाइन में किया था ना, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन उन्होंने लैंग्वेज चेंज कर दी और लैंग्वेज में एडिशन है, राइट। उसी तरीके से परफॉर्मेंस प्रिज्म में भी क्या हुआ है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हुआ है और लैंग्वेज में काफी सारा एडिशन है। वो लैंग्वेज में एडिशन किस तरीके से आया है वो मैं आपको बताता हूँ। जो प्रीवियस वर्जन था स्टडी मटेरियल का, उसके अंदर ये जो 5 फैसेट्स लिखे थे ना परफॉर्मेंस प्रिज्म के, बस उनका नाम लिखा था और ये वन लाइनर नाम लिखा था और ये वन लाइनर इतना सा लिखा था, राइट। लेकिन आईसीआई ने फिर एक क्वेश्चन पूछा परफॉर्मेंस प्रिज्म का और उसके अंदर उन्होंने ज्यादा डिटेल में चीजों को लिखा है, राइट। तो मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से उठाकर वो जो डिटेल्स है वो हमारे नोट्स के अंदर अपडेट किए, राइट। तो डिटेल्स एक्चुअली आपको बहुत जरूरी है, तभी आप जाकर 20 मार्क्स के क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है मैंने इसका पूरा का पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया है परफॉर्मेंस प्रिज्म का, तो या तो आप इसको सेल्फ रीडिंग कर लें, और नहीं अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो आप अमेंड 26 नाम का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ओके। फिर इसके बाद अमेंड 27 दोस्तों, ये है परफॉर्मेंस मेजर्स प्रॉब्लम से रिलेटेड टॉपिक पर, है ना। परफॉर्मेंस मेजर्स को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, तो आपके जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स लिखी हुई आपको मिलेंगी। जैसे टनल विजन यानी सिर्फ एक पर्टिकुलर गोल पर फोकस करना और उसके जो दूसरे गोल्स हैं जो कि आसपास हैं उनको इग्नोर करना, या फिर सब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि अपने पर्सनल गोल्स को प्रायोरिटी देना और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को सब ऑप्टिमाइज लेवल पर रखना, राइट। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो होती परफॉर्मेंस मेजर्स के साथ। आईसीआई ने अपने स्टडी मटेरियल में दो और प्रॉब्लम्स ऐड कर दी है, राइट। वन इज इररेलेवेंस एंड अनदर इज गेमिंग। इररेलेवेंस का मतलब होता है कि हम किसी की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं लेकिन वो परफॉर्मेंस मेजरमेंट उसकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए रेलेवेंट नहीं है, मतलब उससे उस परफॉर्मेंस मेजर से इस पर्टिकुलर व्यक्ति की परफॉर्मेंस करेक्ट ढंग से मेजर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि एक होटल है और होटल में एक शेफ है और हम शेफ की परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं बेस्ड ऑन सेल्स रेवेन्यू, कि शेफ जितनी अच्छी डिश बनाएगा उतना ज़्यादा खाना लोगों को पसंद आएगा, उतना ज़्यादा वो वापस आएंगे लोगों को लाएंगे और रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। तो रेवेन्यू से लिंक कर दी हमने किसकी परफॉर्मेंस, शेफ की परफॉर्मेंस, राइट।
अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि शेफ की परफॉर्मेंस रेवेन्यू से करेक्टली मेजर की जा सके, क्योंकि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि हमारा खाने के फूड की क्वालिटी तो काफी अच्छा हो, प्रिपरेशन काफी अच्छा हो, लेकिन फूड सर्विस में हम लेट अस से काफी स्लो हो, राइट। फूड सर्विस में लोगों को उतना हॉस्पिटेबल फील नहीं आता, तो देखा जाए तो अब जो मेजर हो गया वो कैसा हो गया, इररेलेवेंट हो गया, राइट। So, irrelevance can be said to be in existence when business managers trying to attain the desired indicators but relying upon the irrelevant measures to said indicators, right? Yani ki hum chef ki performance kis se link kar rahe hain, revenue se link kar rahe hain, toh we are relying on the wrong indicator, okay. Dusra ho jata hai gaming. Gaming ka yahan par matlab hota hai ki performance measurements ke saath humne game kar liya, yani performance measurement ko humne distort kar diya, right? For example, let us say ki humne एक होटल है और होटल के अंदर हमने जो रिसेप्शन एरिया है, रिसेप्शन पर लेट से हमारे 3 एम्प्लॉयज हैं और हमने उनकी परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कस्टमर फीडबैक को बेस बनाया कि कस्टमर का फीडबैक जैसा आएगा वैसी हम आपकी परफॉर्मेंस मानेंगे, राइट, ओके। अब यहां पर ये लोग क्या हो सकता है, अगर इनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कस्टमर है जो कि हमसे नाराज है, खफा है, तो फिर वो उसको फीडबैक फॉर्म ही नहीं देते हैं, यानी कि वो कस्टमर रेटिंग ही नहीं दे पाता है। और जिन कस्टमर्स को लेकर इनको लगता है कि हाँ दिस कस्टमर इज हैप्पी अबाउट आवर सर्विसेज, तो फिर वो उसको फीडबैक फॉर्म ले जाकर दे देते हैं, राइट। सो दे आर डिस्टॉर्टिंग द परफॉर्मेंस मेजरमेंट, राइट। सो गेमिंग इज बेसिकली अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिस्टॉर्ट द मेजर्स to be in an advantageous position, right? It includes the altering of variable to influence the measured performance. Okay, तो ये दो और problems होती है performance measure के साथ, in addition to ये जो problems लिखी हुई जो आपके notes में already है, okay. अब हम आते हैं amended 28 पर, है ना? दोस्तों ये है बेंचमार्किंग स्कीम से रिलेटेड, और जो प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग नाम का टॉपिक है वो तो पुराना है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो आईसीआई ने रीऑर्गेनाइज कर दिया है ना। तो प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग का पूरा कंटेंट रीऑर्गेनाइज हो गया है, वो आपको अमेंड 28 नाम की वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ओके। अब इसके बाद ओके, अब परफॉर्मेंस मेजरमेंट इन दी नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर, यह अगेन ये जो टॉपिक है पुराना है, लेकिन इसकी लैंग्वेज में कहीं 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 पर चेंजेस हैं या एडिशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने ये कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स नाम से चीज डाली है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये जो की चैलेंजेस है, अगर आप स्टडी मटेरियल एडिशन 2019 में देखेंगे तो आपको की चैलेंजेस तो 4 की चैलेंजेस दिखेंगे, लेकिन उसमें कुछ नाम आपको यहाँ पर बदले हुए दिखेंगे जो कि अर्लियर स्टडी मटेरियल 2019 में अलग नाम थे और 2021 में अलग नाम है, राइट। एडिशन 2021 में यह नाम है ना। साथ ही साथ इन सारे की चैलेंजेस को कैसे फेस करना, वो तरीके भी नए वाले स्टडी मटेरियल में ऐड किए, पुराने वाले स्टडी मटेरियल में नहीं थे। जैसे कि उन्होंने ये वे आउट लिखा हुआ है, राइट, दैट हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर डिफिकल्टी, है ना। तो अब क्योंकि इसमें ना बीच बीच में चेंजेस थे और थोड़े थोड़े चेंजेस थे, राइट, सो व्हाट आई डिड इज कि मैंने इसका कंप्लीट वीडियो आपको अमेंड 29 नाम की वीडियो से प्रोवाइड किया गया, राइट। अब आपकी इच्छा हो तो आप वीडियो देखकर कवर कीजिए, आपकी इच्छा हो तो आप सिर्फ ये टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट, ओके। तो ये था नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर से रिलेटेड। वैसे ही दोस्तों वैल्यू फॉर मनी का अगर आप टेक्स्ट देखेंगे, राइट, तो वहां पर अभी आपको कम टेक्स्ट मिलेगा आपके अर्लियर वर्जन ऑफ स्टडी मटेरियल में, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ स्टडी मटेरियल में है उसमें उन्होंने थोड़ा ज्यादा डिटेल लिखा हुआ है, राइट। ये जो चीजें मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ वो चीजें आपके अर्लियर वर्जन ऑफ स्टडी मटेरियल में नहीं थी, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये जो लेटेस्ट वर्जन की जो थ्योरी ये आप ध्यान रखना, राइट, ताकि आपको एग्जाम में लिखने को ज्यादा अच्छा मैटर मिले, ओके। तो ये पूरा का पूरा जो है वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क, ये भी वीडियो के अंदर कवर किया गया है, अमेंड 29 नाम के वीडियो के अंदर इस पर्टिकुलर चीज को कवर किया गया है, ओके। फिर इसके बाद दोस्तों ओके, मॉक टेस्ट पेपर अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन प्रिंट हुआ था, उसको अमेंड 30 नाम के वीडियो के अंदर कवर किया गया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको सेल्फ भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद 20 मार्क का क्वेश्चन नवंबर 2019 एग्जाम में पूछा था, क्योर हॉस्पिटल से रिलेटेड, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर से रिलेटेड था, उस केस स्टडी को हमने अमेंड 31 नाम की वीडियो के अंदर कवर किया है, ओके। फिर इसके बाद
The town of Silver Sands नाम की केस स्टडी है, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, पहले भी आपके नोट्स के अंदर थी लेकिन पहले हमने इसको होमवर्क दिया था, अब हमने इसको भी क्लास के अंदर कवर कर लिया। तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्टर से रिलेटेड केस स्टडी है, इसको आपको अमेंड 32 वीडियो के अंदर कवर करने को मिल जाएगी। ओके, तो दोस्तों यही थे सारे के सारे अमेंडमेंट्स परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन चैप्टर से रिलेटेड। अब नीचे प्लेलिस्ट दी, वहां पर सीक्वेंस में सारे अमेंडमेंट्स चले हुए। आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप सारे के सारे अमेंडमेंट्स को गो थ्रू कर ले। ओके, थैंक यू।